वेलकम फ्रेंड्स, आप सब देख रहे हैं टॉप 6 एंटरटेनमेंट। इस वीडियो में बात करेंगे 3 बहादुर 3 मूवी का अब तक का होने वाला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। साथ साथ बात करेंगे हम बम्बलबी मूवी का कलेक्शन पाकिस्तान में और सिम्बा मूवी का प्रेडिक्शन, और जानेंगे एक्वामैन का कलेक्शन और साथ साथ जीरो मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो बने रहिए इस वीडियो में, ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं 3 बहादुर 3 यानी 3 बहादुर द राइज ऑफ वॉरियर्स की, पाकिस्तान की एनिमेशन मूवी। इस मूवी के स्टार कास्ट में जुहेब खान, महफियात, फहद मुस्तफ़ा, सरवत गिलानी थे। इस मूवी का कलेक्शन फिर भी देखें तो ठीक ठाक है, क्योंकि मूवी के पास स्क्रीन्स बिल्कुल भी नहीं बची, क्योंकि सारी की सारी स्क्रीन्स और जीरो मूवी को ही दे दी गई हैं। 3 बहादुर राइज ऑफ वॉरियर्स मूवी का बजट ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया। मूवी का बजट 2 करोड़ है, यानी मूवी का दूसरे पार्ट से कम बजट है। मूवी का बजट 2 करोड़ है। देखा जाए तो मूवी कलेक्शन फिर भी ठीक है। कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने अपने पहले हफ्ते में 1.8 करोड़ यानी 1 करोड़ 80 लाख, दूसरे हफ्ते में 1.35 करोड़ यानी 1 करोड़ 35 लाख मूवी ने अपने कलेक्ट किए हैं, यानी तीसरे वीकेंड के पहले दिन पर 0.13 करोड़ यानी 13 लाख। और इसी के साथ मूवी का टोटल कलेक्शन अब तक हो चुका है 3.28 करोड़ यानी 3 करोड़ 28 लाख, और मूवी अपने 16 दिन पर एक्सपेक्टेड कलेक्शन कर सकती है 15 से 20 लाख तक का। आपकी क्या राय है कि मूवी के लाइफ टाइम कितना कलेक्शन कर पाएगी? और बता दूं, सिम्बा मूवी भी रिलीज होने वाली है कल, तो स्क्रीन इस मूवी के पास शायद बचे ही ना। शायद ये मूवी लाइफ टाइम 5 करोड़ तक ही जा जाए, और ये पिछले दोनों पार्ट से शायद कम कलेक्शन करे, क्योंकि मूवी के पास बिल्कुल स्क्रीन भी नहीं बची। चलिए आगे बढ़ते हैं, बम्बलबी मूवी की बात करते हैं। बम्बलबी मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं ट्रैविस, स्टार कास्ट में हैली नजर आएंगी। अब बात करें मूवी की स्क्रीन, मूवी को पाकिस्तान में कुछ खास स्क्रीन भी नहीं मिली थी, खास मूवी की कुछ फैन फॉलोइंग भी ट्रांसफॉर्मर सीरीज की पाकिस्तान में नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मर सीरीज का छठा पार्ट है। ट्रांसफॉर्मर सीरीज की बात करें, इस मूवी ने अपने पहले वीक में पाकिस्तान में कलेक्शन किया 0.75 करोड़ यानी 75 लाख, और मूवी का 8th डे कलेक्शन रहा 0.08 यानी 8 लाख, और मूवी का 8 दिन को कलेक्शन हो चुका है 0.83 करोड़, और मूवी अपने 9th डे पर कलेक्ट कर सकती है 10 लाख तक का, और मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन शायद 1.5 या 2 करोड़ तक का कर सकती है। तो आप किसके बारे में क्या राय है हमें अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सिम्बा मूवी की बात करते हैं। सिम्बा मूवी भी काफ़ी बड़े स्केल में पाकिस्तान में रिलीज होने वाली है। डायरेक्टर मूवी के रोहित शेट्टी हैं, स्टार कास्ट में सारा अली खान, रणवीर सिंह और अजय देवगन एज अ कैमियो रोल नजर आएंगे। बहुत से लोग इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन के ही देखने जाएंगे, क्योंकि इस मूवी के हमें एंट्री सीन ट्रेलर जब स्टार्ट होता है तभी अजय देवगन दिखते हैं, और ट्रेलर के एंड में भी अजय देवगन ही दिखते हैं। तो बहुत से लोग इस फिल्म को सिर्फ अजय देवगन के लिए ही देखने जाएंगे। इस मूवी को पाकिस्तान में 90 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है, यह 90 स्क्रीन पर मूवी को रिलीज किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी रिलीज है इस मूवी की पाकिस्तान में। प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि मूवी अपने फर्स्ट डे में पाकिस्तान में 90 लाख यानी 0.90 करोड़, सेकंड डे पे 1 करोड़ और थर्ड डे पे 1.50 करोड़ कलेक्शन कवर कर सकती है। और रूमर्स की माने तो मूवी अपने पहला वीकेंड 3 से 3.50 करोड़ के अंदर कवर कर सकती है, यानी 3 करोड़ से 3.5 करोड़ तक कलेक्शन मूवी कवर कर सकती है, क्योंकि मूवी को काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन भी मिल रही हैं। आगे बात करते हैं अमेरिकन सुपर हीरो मूवी एक्वामैन की, यानी डीसी मूवी, डीसीईयू मूवी का हिस्सा, यानी डीसीईयू मूवी का छठा पार्ट है। मूवी को डायरेक्ट किया जेम्स वॉन ने, स्टार कास्ट में जैसन मोमोआ है, और ये फिल्म पाकिस्तान में कुछ एवरेज स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। सुपर हीरो मूवीज़ की भी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में ठीक ठाक है, लेकिन सुपर हीरो मूवीज़ की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ अवेंजर्स के 3 पार्ट ही हिट रहे हैं, उसके अलावा बाकी फिल्में कुछ खास कर नहीं पाई हैं। और एक्वामैन की बात करें तो एक्वामैन ने फिर भी कुछ ठीक ठाक कलेक्शन कवर कर लिया है। फर्स्ट वीक में मूवी ने 2 करोड़ और मूवी ने अपने 8th डे पे 0.15 करोड़ यानी 15 लाख का कलेक्शन कवर किया है। मूवी का 8 दिनों का पाकिस्तान से कलेक्शन हो चुका है 2.15 करोड़ यानी 2 करोड़ 15 लाख, और मूवी अपने 9th डे पे 20 लाख का कलेक्शन कवर कर सकती है। और बताएं मूवी लाइफ टाइम कितना कलेक्शन कवर कर पाएगी? मेरे हिसाब से मूवी 6 करोड़ तक का लाइफ टाइम कवर कर पाएगी। आगे बात करते हैं मूवी जीरो की। जी हाँ, जीरो मूवी पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी रिलीज है। ना ही कोई पाकिस्तानी मूवी, ना ही कोई इंडियन मूवी, ना ही कोई हॉलीवुड मूवी पाकिस्तान में इतने बड़े स्केल पर रिलीज हुई है। पाकिस्तान में टोटल सिनेमा स्क्रीन है 160 और ये मूवी रिलीज हुई है 156 यानी 156 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। इतनी बड़ी रिलीज मूवी को मिली है, लेकिन मूवी उतना नहीं कवर पाई जितना मूवी को स्क्रीन मिली थी। मूवी ने अपने फर्स्ट डे पे 2.3 करोड़, सेकेंड डे पे 2.25 करोड़, थर्ड डे में 1.85 करोड़। मूवी का फर्स्ट वीकेंड यानी 3 दिन का कलेक्शन 6.4 करोड़ यानी 6 करोड़ 40 लाख। फोर्थ डे की बात करें, मूवी ने अपने फर्स्ट वीक की बात करें तो मूवी ने फर्स्ट वीक में 10.46 करोड़ 10 करोड़ 46 लाख, और मूवी ने अपने 8वें दिन पर कलेक्ट किए हैं 0.81 करोड़। मूवी का 8 दिनों का टोटल कलेक्शन हो चुका है 11.27 करोड़ यानी 11 करोड़ 27 लाख, और मूवी अपने 9वें दिन पर एक्सपेक्टेड कलेक्शन कवर कर सकती है
एक करोड़ तक का। और अपनी राय भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मूवी लाइफ टाइम कितना कलेक्ट कर पाएगी। मेरे ख्याल से मूवी 20 करोड़ तक शायद लाइफ टाइम कवर कर पाए। तो आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी जरूर देना। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम पाकिस्तान में होने वाली हर न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। और चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।